हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेसेस, राइट? ओके, वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स वेरिएशंस, राइट? थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका जो प्रीवियसली आपने नाइन्थ क्लास में चैप्टर किया है, मैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बेस है हमारे इस चैप्टर का और इवन बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज होंगे यहाँ पर, मैं उनको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाह रही हूँ. सो प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से उसे देख भी लीजिएगा. ओके, नाउ द चैप्टर नेम सजेस्ट इट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स वेरिएशंस. द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक हेयर, कि पीरियोडिक का मतलब क्या है. यहाँ पे आपने देखा होगा जो ये टेबल मैंने एक बनाया है यहाँ पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आप लोगों का एक पीरियोडिक टेबल है. दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल, राइट? तो पीरियोडिक वर्ड अगेन यहाँ पर भी यूज हो रहा है. तो इस पीरियोडिक वर्ड का मीनिंग होता है कि एनीथिंग विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझाती हूँ. सबके सब स्कूल स्टूडेंट्स हो, बिकॉज क्लास 10 का चैप्टर है तो सबके सब स्कूल जाओगे. तो क्या होता है कि आज हमारा जो फर्स्ट पीरियड था, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड आपका मैथ्स का है, राइट? फिर अब आज मॉर्निंग में 8 o'clock अगर आपका फर्स्ट पीरियड मैथ्स का था, नेक्स्ट डे ऑन यानी ट्यूसडे या वट एवर द नेक्स्ट डे इज कमिंग, उस दिन फिर से आकर के 8 o'clock फर्स्ट पीरियड जो होगा वो मैथ्स का होगा. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अराउंड 24 आवर्स के बाद में वो जो मैथ्स का पीरियड था वो हमारा फिर से आकर के रिपीट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक. जो कोई भी चीज़ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में खुद को वापस उसी जगह आकर के क्या करती है, अपने आप को क्या कर रही है, वापस आकर के रिपीट करती है, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं. विद द सेम थिंग्स, उसकी चीज़ें, उसकी कॉन्फिग्रेशन वो चेंज नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट मैथ का था तो वो मैथ्स का पीरियड ही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं. अगर मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल दूँ, तो ये मेरे हाथ में एक चौक है, अगर इसको अगर हम बीइंग एन पेंडुलम की तरह ट्रीट कर दें, देखो अभी इस पोजिशन पे है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में कहाँ गया, यहाँ गया. अब इतने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ये वापस अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आके स्टैंड करेगा. उसने अपनी पोजीशन को चेंज करके वो वहां नहीं ले गया, वो अपनी पोजीशन को चेंज करके वहां नहीं ले गया. तो इस मोशन को हम लोग पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है. अब जो टोटल आपके पास में एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, दैट आर ओन 118 एलिमेंट्स. नाउ इन दीस 118 एलिमेंट्स, हाउ दिस पीरियोडिक वर्ड सेटिस्फाइड देमसेल्फ इटसेल्फ. तो वो यहाँ क्या करने वाला है, जो आपका पीरियोडिक वर्ड है वो कैसे सेटिस्फाई करेगा. देखिए, जो हमारे जो ये टेबल सेटिफाई किया था हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या डिफाइन किया था कि दिस टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, 2 and 3 जो 12 कॉलम्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस 1, 2 एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम्स. नेक्स्ट इज कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16, 17 and 18. तो ये टोटल आपके पास में इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ऐसे सेटिस्फाई करने के बाद में जो ये टेबल था उसे उन्होंने 18 कॉलम्स में डिवाइड किया, राइट? 18 कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद में कुछ जो पीरियड्स जो हैं उन्होंने उसमें भी डिवाइड किया, जो ये हमारी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो टोटल इन दैट टेबल, मैं आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पीरियोडिक हेयर नाउ, ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड ओनली टेबल. इन दैट टेबल देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स प्रेजेंट, राइट? 7 पीरियड्स द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 18 ग्रुप्स द वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट, एंड टोटल ऑल द 118 एलिमेंट्स आर लाइज इन दीज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स ओनली. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, नाउ जो हम लोग हमारे सिलेबस के लिए बात करेंगे, फॉर द क्लास 10 ओनली वी नीड टू स्टडी अप टू द आर्गन एलिमेंट, अप टू द आर्गन एलिमेंट, दैट इज अप टू द पीरियड नंबर 3rd, अप टू द पीरियड नंबर 3rd. ओके, नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इसके बारे में देखना है. द वेरी फर्स्ट थिंग, जो ग्रुप नंबर 13 है, इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज बोरोन, सो इट इज कॉल्ड, दिस कंप्लीट ग्रुप इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली. ग्रुप नंबर 14, इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, सो दे आर कॉल्ड एज कार्बन फैमिली. ग्रुप नंबर 15, इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली. ग्रुप नंबर 16, इट्स
फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली. ग्रुप नंबर 17, फर्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन, दे आर कॉल्ड ऑल्सो एज फ्लोरीन फैमिली. एंड दिस 18th ग्रुप यू ऑल नो वेल, जीरो वैलेंसी ग्रुप, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ऑल द नेम्स आर गिवन टू द 18th ग्रुप और द हीलियम फैमिली वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट. ठीक है, अंडरस्टैंड, किसे समझ आई. अच्छा, फिर इनके कुछ अलग नेम्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन फैमिली है उसे निकोजेंस कहा जाता है, ऑक्सीजन की फैमिली को चार्कोजेंस कहा जाता है, फ्लोरीन की फैमिली को हम लोग हेलोजेंस भी बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. ठीक है, ये सारे नेम्स आपको अभी मैं कराऊंगी, अभी फिर से हम इसको लेके चलेंगे. ठीक है, अभी इतना समझो इसका. ठीक है, दैट दिस टेबल कंटेन्स टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स and total 118 elements all lies in these groups and these periods only. Understand the point? Now, the main point is that why we use the word periodic here for this table. For this table, we are using the word periodic. क्यों use किया हम लोगों ने? Just because, देखिए, अगर first मेरा element कौन सा है? Hydrogen. Hydrogen के बिल्कुल beside नीचे कौन lie कर रहा है? Lithium, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium and then francium. It means जो हाइड्रोजन के नीचे मेरा एलिमेंट आ रहा है somehow directly और indirectly उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. नाउ अब माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होगा, हाइड्रोजन इज विद एटॉमिक नंबर 1, लिथियम इज एटॉमिक नंबर 3, सोडियम इज विद एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम इज विद एटॉमिक नंबर 19, हाउ दे आर सिमिलर. सो कैसे सिमिलरिटी है? इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज जो उनका लास्ट का बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, दे आर सेम, वो सेम रहेंगे. अब जस्ट बिकॉज कभी भी केमिकल जो हमारे रिएक्टिविटीज होती हैं ऑफ एनी ऑफ द एटम और एनी ऑफ द एलिमेंट, दे आर रिलेटेड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दे आर रिलेटेड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली. दैट्स व्हाई ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द लास्ट वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इफ दे ऑल द फर्स्ट ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ valence electrons, all they are having same number of valence electrons, it means somehow their chemical and physical properties are relatable to each other. देखो मैं फिर से इस बात को बताती हूँ, जो word periodic we are using for this table is just because of the electronic configuration. Indirectly or directly this periodic word is related to their electronic configuration. They are having the group number 1 all have the same kind of valence electronic configuration, valence electrons similar to each other. That's why they all are having similar somehow chemical and the physical properties, basically the chemical properties. Just because all the chemical properties depends upon the number of valence electrons present in the outermost shell. Outermost shell is the valence shell. अभी वापस से इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर लिखकर भी करेंगे, पर firstly जो यहाँ चीजें लिखी हुई हैं उन्हें एक बार ही समझना जरूरी है. Okay, right? समझ में आया? Now, what is the मतलब group से क्या पता चलेगा? ग्रुप आपको रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1, इट मींस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 2, इट मींस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2. नाउ अभी 3 to 12 वाला हमें अभी नहीं करना है, वी आर डूइंग दिस इन क्लास 11 बट नॉट राइट नाउ. ठीक है, अब ग्रुप नंबर 13 पे आ जाइए. नाउ ग्रुप नंबर 13 के केस में क्या होगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा. देखिए ग्रुप नंबर 13, 10 प्लस 3 इज 13, सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3. ग्रुप नंबर 14, इट्स 10 प्लस 4 इज 14, सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4. ग्रुप नंबर 15, इट्स 10 प्लस 5 इज 15, सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5. 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड फ्लोरीन F, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. तो ये इस चीजों का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा. 10 को अपार्ट करके जो रेस्ट ऑफ था उनके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, वही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास में लाई करेंगे, वही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास में प्रोसीड करेंगे. राइट, अंडरस्टैंड ये वाली चीज. नाउ वी आर कमिंग टू द पीरियड साइड, कि पीरियड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं.
पीरियड्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स को, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स एन एटम कैन कैरी और एन एटम कैन हैव, कितनी नंबर ऑफ शेल्स एक एटम के पास में प्रेजेंट है, ये डिफाइन करेगा आपका पीरियड, वो उसका पीरियड बताएगा। नाउ अब यहाँ पे पॉइंट अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्स हियर, कि शेल्स का क्या मतलब है। ध्यान से देखिएगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एटम, यू क्लियरली नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सेज दैट एटम इज इन अ सर्कुलर और सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, अगर एटम की बात करें, ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ओके, द प्रोटॉन्स कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, एंड इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल्स टू ईच अदर, इट मीन्स योर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन इट, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। और द सेकेंड थिंग which is written here, that is proton, electron, nucleus and shells. ये आपको एक atom के parts को बता रहा है कि atom के पास कौन-कौन से parts हैं। Atom contains one proton, one, it means atom contains only the protons, electrons, nucleus, shells and we can say the neutrons. अब यहाँ पर आपको जो समझना है उसे समझिए ध्यान से। ये क्या स्टैंड करता है, न्यूक्लियस, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, दैट इज द न्यूक्लियस, एंड द सर्कुलर पार्ट्स अराउंड दिस न्यूक्लियस इन विच द पॉसिबली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज शेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्स, जस्ट बिकॉज देर आर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। There is a presence of electrons, so that shells are called as electronic shells also. तो उसमें confused नहीं होना, अगर book में किसी place पे लिखा है on their place, right, electronic shells, so it means these shells are also called as the electronic shells just because electrons are present in them, so we are called them electronic shells also. तो गड़बड़ नहीं करना है इसमें, राइट। अभी न्यूक्लियस की इसमें हम लोगों ने बात किया कि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, देखिए न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को कंटेन करता है, द वेरी फर्स्ट इज द प्रोटॉन एंड द सेकंड वन इज द न्यूट्रॉन। फर्स्ट क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ, सेकंड वन कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। नाउ शेल्स के लिए अगर डिफरेंशिएट करूं मैं इसमें, तो शेल्स क्या कंटेन करते थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में उसकी शेल्स प्रेजेंट है, राइट। देखो अभी शेल्स के केस में स्टडी करना है, बिकॉज मैं इसको इतना आपको डीप में क्यों बता रही हूँ, ऑल्दो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी उसको रिवाइज क्यों करा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन इन योर सिलेबस, लाइक योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड द सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एनी ऑफ द एटम, ठीक है। तो अच्छे से उनको डीप में स्टडी करना बहुत जरूरी है, राइट। अभी ध्यान से देखिएगा, अब दिस इज द फर्स्ट शेल, सो वी कैन कॉल इट एज ए के और वन, दोनों में से कुछ भी कीजिए, के एंड वन, इट डिपेंड अपॉन यू। नाउ द सेकंड वन इज द एल और वी कैन कॉल इट सेकंड टू, थर्ड वन इज द एम एंड वी कैन कॉल इट थर्ड ऑल्सो, एंड द लास्ट वन इज द एन और वी कैन कॉल इट फोर ऑल्सो। तो इतनी नंबर ऑफ शेल्स जो है ये आपके पास प्रेजेंट रहती है। अच्छा आप एक चीज देखा, अभी मैंने बोला था द पीरियड विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम, इट विल कंटेन ओनली द वन शेल, इट विल कंटेन ओनली द वन शेल, इट मींस दिस वन शेल ओनली, जो ये रेस्ट ऑफ द शेल्स है, इन्हें मैं छुपा देती हूँ यहाँ से, ये रेस्ट ऑफ द शेल्स हाइड्रोजन एटम के पास में नहीं है, क्योंकि उसमें उसका इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं कर रहा। बेसिकली एक बीच की बात बताती हूँ बच्चों, होती है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कैन नॉट कैरी द दीस शेल्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द शेल इन विच योर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन कैरी ओनली द वन इलेक्ट्रॉन, तो इट विल प्रेजेंट ओनली द फर्स्ट शेल, उसके पास और कोई शेल्स को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ उसी शेल को काउंट करते हैं जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को गलत अंडरस्टैंड नहीं करना, दे कंटेन्स द नंबर ऑफ शेल्स अप टू द इंफिनिटी लेवल, एवरी एटम कंटेन्स द नंबर ऑफ शेल्स अप टू द इंफिनिटी लेवल, बट राइट नाउ देयर नीड टू फिल द इलेक्ट्रॉन, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इट रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड इन द फर्स्ट शेल ओनली, सो वी आर नॉट काउंटिंग द रेस्ट ऑफ द शेल इन हाइड्रोजन एटम, हम लोगों को बाकी शेल्स की जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है, राइट हो गया ये वाली बात। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिथियम एटम, सो लिथियम एटम इज कमिंग इन द पीरियड नंबर 2, सो इट कंटेन्स हाउ मेनी शेल्स, इट कंटेन्स द 2 शेल्स, लिथियम एटम कंटेन्स द 2 शेल्स, दैट इज 1 एंड 2,
एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड दैट इज द सोडियम एटम दे आर कंटेनिंग इन द थर्ड पीरियड इट मींस दे आर कंटेनिंग द थ्री शेल्स 1, 2, and 3 Understand 1, 2, and 3 Now, if I will talk about the potassium atom, it means they are containing the four shells. That is 1, 2, 3, and 4 That is 1, 2, 3, and 4 So the all the four shells are coming in this atom. ठीक है समझ आई ये वाली बात. अच्छा अभी एक चीज देखा. If in this case I'm talking about the first period only, it means one shell only. So the size of atom lies between this one shell only. देखा छोटा मतलब ये जो साइज है एक एटम का आप कहां तक काउंट करोगे उसको वन शेल तक ही काउंट करोगे ना तो इतना मेरे पास में साइज लाई करेगा. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिथियम एटम अब कितनी शेल्स हो गई उसमें 2 तो जो साइज है वो वेरी कहां तक जाएगा उसका आपकी सेकंड शेल तक जाएगा कि वो सेकंड शेल तक आगे देखो शेल आगे गया ना हमारे पास में. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोडियम एटम तो साइज क्या करेगा देखिए हां सोडियम तक आपका साइज लाई करेगा कि मुझे सोडियम तक लाई करना. ठीक है समझ आई ये वाली बात. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेशियम एटम तो यही साइज दिस साइज विल लाई अप टू द फोर्थ शेल. देखो अब ये इतना फिर इतु और देखो कितना बड़ा हो गया. समझ में आई ये वाली बात. ठीक है इतना है इतना हुआ और इतना हो तो साइज इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी उसका साइज ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट पे जाएगा कि उसने इंक्रीज राइट क्लियर हो गया. सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. टोटल एलिमेंट 118 नंबर ऑफ ग्रुप 18 नंबर ऑफ पीरियड 7 एंड इन द एटम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम देन इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम द एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड इट्स शेल्स आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बिकॉज़ दे कंटेन द इलेक्ट्रॉन ओनली. अंडरस्टैंड सिंपल. अच्छा अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स विल tell us the number of valence electrons present in its outermost shell or the valence shell. If you are talking about the periods will explain you the number of shells present in an atom. Then how many shells it contains up to its last electron. जो last electron कौन से shells तक final कौन से shells तक उसके पास में filled है. ठीक है understand this thing. Now coming to our main topic that is the periodic properties. की periodic properties क्या होती हैं give me a minute. ठीक है अभी इसको क्लीन करके फटाफट से हम लोग बात करेंगे किसके लिए हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए. ठीक है चलिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है जैसे मैंने पहले भी कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. They are directly or indirectly related to the electronic configuration of an atom. What is the electronic configuration of an atom? Now, अगर हम लोग उनको एक और बात करेंगे तो periodic properties, electronic configuration से relate करेंगे साथ में ही उनका जो gradation है, they will vary with the for example देखिए अगर हम लोग एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ये टॉप पोजीशन है आपके ग्रुप के केस में आप डाउन आ रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग टॉप टू दिस कंडीशन इज कॉल्ड टॉप टू क्वार्टर इन अ ग्रुप. ठीक है अभी हम लोगों को कहां जाना है पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड के अक्रॉस चलना है. ठीक है सो अभी यहां अगर मैं ऐसा स्टैंड करूं सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. तो पीरियोडिक टेबल में जब आप इस पोजीशन से ग्रुप नंबर 1 से उस ग्रुप की तरफ जाते हो देन इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट टू राइट. दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. आप एक पीरियड के अक्रॉस ट्रेवल कर रहे हो कहां लेफ्ट टू राइट. ठीक है तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमारी ऐसे वेरी करती हैं इधर दे विल वेरी टॉप टू बॉटम और इन अ ग्रुप और इधर दे विल वेरी अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ द एलिमेंट. ठीक है क्लियर. नाउ व्हाट इज इन योर सिलेबस. इन योर सिलेबस ओनली वी स्टडी द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑर्गन. हमें कहां से कहां तक स्टडी करना है खाली हाइड्रोजन से आर्गन के लिए. एंड सेकेंडली हमें क्या स्टडी करना है मेन जो हमारा पार्ट है दैट इज ग्रुप नंबर 1 स्पेशल रेफरेंस इट इज गिवन इन योर सिलेबस एंड ग्रुप नंबर 7. ठीक है चलिए अभी इसे नोट डाउन कीजिएगा. ग्रुप नंबर 1 वी कॉल देम एल्कली मेटल्स. दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स जस्ट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट. ग्रुप नंबर 2 alkaline earth metals
फैमिली निकोजन्स, दे आर कॉल्ड एज निकोजन्स. यहाँ पे पी जो है ये साइलेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज निकोजन्स. ग्रुप नंबर 16 चाइकोजन्स सॉल्टफॉर्मर्स एंड ग्रुप नंबर 17 इज हैलोजन्स, दे आर कॉल्ड एज हैलोजन्स. ये ऑल फॉर्मर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द ओर्स जो है ग्रुप नंबर 16 के मिलेंगे आपको. हैलोजन सॉल्ट बनाते हैं, HCl है आपके पास में, ब्रोमीन के हैं, आयोडीन के हैं, तो दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स. एंड सेम ग्रुप नंबर 18, यू नो द ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस, उनका क्या नाम है आपके पास में, उन्हें हम लोगों ने क्या कहा हमारा इनर्ट गैसेस है. सो ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 15 निकोजन्स, 16 चार्कोजन्स, 17 हैलोजन्स एंड 18 इनर्ट गैसेस, जीरो वैलेंसी ग्रुप एंड नोबल गैसेस, सबके सब नेम होने के लिए हमारे पास. ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये वाला चीज. ओके, अभी कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए बात करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, एंड वन बाय वन वी विल स्टडी देम. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज. What is their trend and what is the actual definition of the atomic size and their trends in the table across a period, it means left to right, and top to bottom, it means in a group. Atomic size, metallic character, how their metallic character will vary, and non-metallic character. After the non-metallic character is ionization energy. Electron affinity. And last is electronegativity. This is electronegativity. अभी फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, सेकंड इज मेटालिक कैरेक्टर, थर्ड इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो हमें इससे पढ़ना क्या क्या है इनके बारे में, डेफिनेशन, देयर ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच दीज थिंग्स विल वेरी, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे चीजें हमारे डिपेंड करेंगी. द टू फैक्टर्स आर देयर, फर्स्ट इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकंड वन इज द न्यूक्लियर चार्ज. के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स, हाउ मेनी नंबर, हाउ नंबर ऑफ शेल्स विल वेरी. ठीक है, उनके साथ में स्टडी करेंगे एंड लास्टली 6 फैक्टर्स आपके पास प्रेजेंट रहेंगे इसके लिए. ठीक है, तो वन बाय वन इनको पिक करते हैं, इनको स्टडी करना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट वन आई विल कैरी द एटॉमिक साइज. फर्स्ट वन कौन सी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपके पास में, एटॉमिक साइज. चलिए एटॉमिक साइज के बारे में बात करें ना. एटॉमिक साइज सिंपली देखिए, एटॉमिक साइज के बारे में जब भी बात करेगा, इफ दिस इज द सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द आउटर मोस्ट शेल, सो it is the size or the distance between the central part of the nucleus to the outermost shell in an isolated gaseous atom or in a single atom. Isolated means alag, different, alag kiya hua gaseous atom. Why we are using, because a single atom only present in the form of gases, not in the presence, nor in the form of solid, or nor in the presence of, nor in the form of liquid. Na to wo liquid ki form mein hoga, na wo solid ki form mein hoga. It is only present in the form of gas only. Theek hai, clear hua? So atomic size ka, if you are looking about its definition, so it is defined as the internuclear distance. Chaliye, it is defined as the distance between the central part, between the central part of the nucleus to the outermost shell. और आप इसे क्या कह सकते हो, और वैलेंस शेल
thing and isolate it. Gaseous atom. किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक isolated gaseous atom के लिए, इसके center से लेकर के जो ये outer most shell में जो इतना ये distance है, इसको हम लोग क्या, इससे हम लोग क्या study करते हैं इसके atomic size को? This is the side और this is called as atomic radius of an atom. This is called as atomic radius of an atom. Please समझ गए? डेफिनेशन समझिए इसका. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. टू द वैलेंस शेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो एटॉमिक रेडियस इज द लेंथ, एटॉमिक रेडियस इज द लेंथ ऑफ एन एटम. तो इसके केस में क्या होगा आपके पास में? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस? If we talk about their units, so three types of units. क्योंकि atom is in a very very small in size, so we cannot measure this radius by the meter or the centimeters. There were few बहुत ही छोटी छोटी units इनके लिए हैं. The first one is the angstrom, a above note. It equals to 10 raised to power minus 10 meter. It equals to 10 raised to power minus 10 meter. Second one is the picometer, nanometer. This is nanometer, N and M, and it is 10 raised to power minus 9 meter. The third one is the picometer. This is picometer, P and M, 10 raised to power minus 12 meter. Because atomic size, atom size is very 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 small, so these three units we generally use to measure the atomic radius distance. One is angstrom, 10 raised to power minus 10 meter. This is nanometer, 10 raised to power minus 9 meter. Picometer, 10 raised to power minus 12 meter. Clear? Now there is another definition for the atomic size, and that will say if we are talking about two atoms. अभी बताती हूँ इस चीज के लिए आपको. देखिए, अभी दो एटम्स हमारे पास है प्रेजेंट है, वन दिस ए एंड दिस इज आल्सो ए. ठीक है, तो इन दोनों एटम जो कंबाइनिंग है दूसरे के साथ में, उनकी एक के सेंटर से लेकर के दूसरे के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे मेजर कीजिए एंड डिवाइड इट बाय द हाफ. ये जो इतना डिस्टेंस आपके पास निकल के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस. सो इट इज आल्सो डिफाइंड एज, इट इज also defined as the internuclear difference, the internuclear distance, internuclear distance among atoms. So it is also defined as the half of internuclear distance among the atom is called as atomic radius. ठीक है, क्लियर हो जाएगा. तो जस्ट क्या करना है, इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की जितनी हमारी रेडियस है उसका जितना आपका मतलब डिस्टेंस है उसका हाफ कर दीजिए, देयर इज कमिंग द एटॉमिक रेडियस. वो एटॉमिक रेडियस आ जाएगी, जस्ट बिकॉज उन एटम से केसेस में होता है जहां पे हम लोग उसको डिवाइड नहीं करते. फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन गैस, इन द गैसेस स्टेट आल्सो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H2, क्लोरीन HCl2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2. तो इसी केस में क्या करेंगे, ये तो गैसेस फॉर्म में भी ऐसे ही मिलती है, तो तब हम क्या करते हैं, H2 है, दोनों की डिस्टेंस हमने मेजर किया, मतलब इसके सेंटर से इस सेंटर पे. मान लीजिए यहां पे ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, इसके सेंटर से इस सेंटर के डिस्टेंस को मेजर किया हम लोगों ने और उसको हाफ कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास में आपका क्या आ गया, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा कि 1 एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच वैल्यू. ठीक है, क्लियर हुआ. नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्यू फैक्टर्स ऑन व्हिच एटॉमिक रेडियस विल डिपेंड. फैक्टर्स on which atomic radius depends.
फर्स्ट इज द न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर मीन्स द न्यूक्लियस एंड चार्ज मीन्स, देखिए अभी हम लोगों ने जब मैंने पहले ही बात किया था, आई एम क्लियरली सेइंग दिस थिंग, न्यूक्लियस ओनली कंटेन्स द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल, इट विल कैरी नो एनी चार्ज ऑन इट. तो इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज ओनली. किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, खाली और खाली पॉजिटिव चार्ज के बारे में, जो हमारे किसके पास में होगा, हमारे न्यूक्लियस के पास होगा. सेकंड थिंग इज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट, और नंबर ऑफ शेल्स के साथ में भी कैसे वेरी करेगा. ठीक है, समझ में आई. एटॉमिक साइज दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वन इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड इज द नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स मैंने अभी समझाया था, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स के बारे में छोटी सी डिस्कशन करना पेंडिंग है. और वो डिस्कशन ये कहता है, व्हेन जब हमने बात किया था नंबर ऑफ शेल्स के लिए, देखिए बहुत सिंपल था, मैंने ये तो बात किया कि इफ यू आर गोइंग टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम माने इन अ ग्रुप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो इस केस में जो नंबर ऑफ शेल्स है वो हमेशा क्या करेगा आपके पास में, इंक्रीज करेगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे. हाइड्रोजन 1, हीलियम, लिथियम 2, सोडियम 3, पोटेशियम 4, रुबिडियम 5, सीजियम 6 एंड ट्रिटियम 7. नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज कर रही है, ऑलवेज इंक्रीज कर रही है आपके पास में, राइट. वो बार 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 आपके पास में इंक्रीज हो जाएंगी. बट जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम के पास जाओगे, लिथियम से नियॉन के पास, सोडियम से आयरन के पास में, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम एटम एटॉमिक नंबर 2, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं इनका. दिस इज के एल एम एंड एन, सिमिलरली विद के एल m and this is n, right. Now one electron is there, this k shell maximumly contains two electrons, so one can easily stand here, right. And this I know abhi to bola maine, this k shell easily contains maximum of two electrons, it means this k shell contains two electron maximumly, to matlab ye second electron bhi yahi aa jayega. So ab agar aap dekhte ho to agar main within a period ki, अगर इस तरह से हम लोग पीरियड के लिए बात करते हैं, तो क्या हमारा जो शेल था वो चेंज हुआ एक पीरियड में. देखिए हाइड्रोजन के लिए भी कौन सा शेल यूज कर रहे थे, के हीलियम के लिए भी कौन सा शेल यूज कर रहे हैं, के. तो देयर इज नो एनी चेंज इन द शेल, इट मींस व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, देन नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स ऑलवेज द सेम. नंबर ऑफ शेल्स विल रिमेन ऑलवेज द सेम, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ शेल्स while moving from left to right in the table. ठीक है, इस इसको ध्यान रखना. Now, first thing we are studying the nuclear charge. अब डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को फिर से. ठीक है, first is the nuclear charge.